तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं नरेंद्र जी के साथ, और हम बात करेंगे आज एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला के बारे में। एडवांस एक्सेल, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का यूज कहाँ करते हैं। अगर आप कंपनी में हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे क्या, टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसको समझाना थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस बना रखे हैं। देखिए एक्सेल जब यूज नहीं होता था, जब कंप्यूटर हटा दीजिए कुछ साल पहले चले जाइए, तो जो एक्सेल काम करता था वो सारे काम कौन करता था? आपका रजिस्टर, हर डिपार्टमेंट के हर टेबल पे रजिस्टर होती थी और उसमें सारी एंट्री होती थी। तो जो रजिस्टर पे जो काम होता था उसी काम को हम एक्सेल पे करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर, एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। अब हम बात आते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल आप करेंगे क्या। अगर कंपनी में आप हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी में है, तो आप एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? देखिए एक्सेल का इस्तेमाल जो होता है वो होता है आपके ऑफिस के अंदर में कई सारे जगहों पे। अगर हम बात करें तो हम पहला टॉपिक बोलेंगे कि एक्सेल डेटा स्टोर करने का काम करता है। कोई भी किसी भी तरह का डेटा अगर एक्सेल में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम एक्सेल यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या एक्सेल एक डेटाबेस है? नहीं, एक्सेल एक डेटाबेस नहीं है। तो एक्सेल को हम यूज तो कर सकते हैं डेटाबेस की तरह, पर डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे क्राइटेरिया आप एक्सेल फिट नहीं होता है। सबसे पहले साइज, दूसरा होता है कि फाइल करप्ट हो जाता है, सिक्योरिटी, फाइल डेटा सिक्योरिटी, आपका फाइल जल्दी करप्ट हो जाता है, ज्यादा लंबा फाइल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह डालेंगे तो करप्ट होने के चांसेस होता है। तीसरा, इसकी सिक्योरिटी को, इसकी पासवर्ड को कोई भी इजिली ब्रेक कर सकता है। चौथा, इसके अंदर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो एक्सेल किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? तो मिसलेनियस डेटा, एसएमई डेटा और एनालिटिक्स डेटा। मिसलेनियस डेटा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप अकाउंट टीम पे हैं, आप टैली इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपको जो पेटी कैश ऑफिस के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, उस खर्चों का अगर मान लीजिए आपको कहीं पे नोट करना है तो वो टैली में तो नोट नहीं करेंगे। अब 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, 4 रुपए की चाय भी है, इसके लेजर थोड़ी क्रिएट करोगे आप। तो उसके लिए कंपनीज एक पर्सन को कुछ कैश, एडवांस कैश अलॉट कर देती है कि छोटे मोटे खर्चे करो, तो छोटे मोटे खर्चा करता है, लेकिन खर्चे का हिसाब तो रखना होगा ना। तो उस खर्चे का हिसाब वो एक्सेल में रख सकता है, उसको मिसलेनियस कर सकता है। जैसे एग्जांपल, ऐसे ही आप अगर पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस एक्सेल पे रखना मुश्किल लोग रखते हैं। तो इस तरह के जो मिसलेनियस डेटा है उसका यूज एक्सेल पे स्टोर उस डेटा को कर सकते हैं। दूसरा आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। हम जैसे छोटे लोग हैं, हमारे पास डेटा अमाउंट बहुत कम होता है, तो हम लोग अपने डेटा को एक्सेल पे स्टोर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ डेटा बहुत कम है, तो हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एक्सेल में डेटा को रख लेते हैं। तीसरा आता है एनालिटिक्स डेटा। आप बड़े एमएनसी कंपनी में हो फिर भी हम डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल में। कौन सा डेटा? एनालिटिक्स डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपको मंथली प्रोडक्ट का रिपोर्ट बनाना है, आपको ये बताना है कि इस महीने में कौन कौन से प्रोडक्ट की क्या सेल है, पिछले महीने क्या सेल थी, कितना ग्रोथ हुआ, कहां कहां ग्रोथ हुआ, इस तरह के एक एनालिटिक्स आपको बनाना है। आपका डेटा पड़ा है आपके सॉफ्टवेयर सैप, एसएपी, ओरेकल, एसक्यूएल ऐसे सॉफ्टवेयर में पड़ा है, तो आपको सबसे पहले वहां से डेटा डाउनलोड करके एक्सेल के एक सीट पर रखना होगा। फिर उस सीट से हम फॉर्मूले, पिवट और बहुत सारे टूल्स की मदद से हम अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो डेटा स्टोर करते हैं
मिसलेनियस एसएमई और एनालिटिक्स डेटा। दूसरा यूज आता है कैलकुलेशन। एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें हम जो अपनी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है उस मैथमेटिक की कैलकुलेशन को भी इजीली कर सकते हैं। तो एक्सेल पे बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है। तो कैलकुलेटिव डेटा कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। आपको आपको मान लीजिए टैक्स कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपको आपको जो है कमीशन कैलकुलेट करना है, इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, इस सारे कैलकुलेशन के लिए एक्सेल परफेक्ट है। तीसरा आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। अब आपको कोई डेटा कोई आपको डेटा कोई रिपोर्ट बनानी है तो एक्सेल उसके लिए परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पूरे साल का डेटा है, बस आप ये देखना आपको ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, जस्ट आपको अमाउंट लगाना। तो इसके लिए आपको और सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पिवट लगाइए और इसको बना लीजिए, बहुत सारे कैलकुलेशन कर लीजिए। और दूसरी क्या है कि इसमें डायनेमिक रिपोर्ट बनती है। जैसे मान लीजिए कि आपको हर महीने की रिपोर्ट बनानी है तो 12 अलग अलग फाइल नहीं बनानी है, एक ही फाइल में ऊपर जो है आपको 12 महीने का ड्रॉप डाउन दे दीजिए। बंदा जाएगा ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेगा, नीचे पूरा का पूरा रिपोर्ट चेंज। तो ये चीजें पीपीटी पे नहीं होती है। तो जब आपको कहीं भी अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करना होता है तो डायनेमिक रिपोर्ट है तो 12 महीने की 12 फाइलें 12 सीट्स या फाइलें आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, बट एक्सेल में सिंगल फाइल बस क्लिक कीजिए और आपको दिख जाएगा। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं अपना एक्सेल। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है डेटा या रिपोर्ट शेयरिंग। अब मान लीजिए कि मुझे आपको रिपोर्ट भेजनी है तो मैं एक्सेल में बना के भेज दूँ, क्यों? मैं इंश्योर हूं कि आपके पास एक्सेल जरूर होगा। एक्सेल नहीं होगा तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे ओपन आरजी, एक्सेल व्यूअर, ऐसे सॉफ्टवेयर होगा, डब्ल्यूपीएस वगैरह होगा। मान लीजिए वो भी नहीं है तो आप उसको जीमेल के जरिए गूगल सीट पे खोल के देख सकते हैं। अब देखिए अब एक्सेल में जो रिपोर्ट बनती है उससे कम टाइम में उससे पावरफुल रिपोर्ट पावर बी आई बना देता है। बट पावर बी आई की रिपोर्ट आपको मैं भेजूं तो आपके पास पावर बी आई होना चाहिए उस रिपोर्ट को देखने और मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन पावर बी आई हर किसी के पास तो नहीं ना होगा, इसलिए एक्सेल परफेक्ट है क्योंकि हर किसी के पास एक्सेल है। तो आप ऑफिस में कोई भी जॉब करने के लिए जाते हो तो एक पहला तो एक रिक्वायरमेंट एक्सेल है ही, एक्सेल के बगैर तो मोस्टली भी जॉब कर पाए थोड़े या ज्यादा। हर ऑफिस में हर कंप्यूटर पे एक्सेल का यूज जरूर होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा होता है कहीं में थोड़ी सी अमाउंट में होता है, लेकिन होता जरूर है। ऐसा शायद ही कोई पर्सन होगा जो सिटिंग जॉब और पीसी जॉब करता हो और वो एक्सेल यूज ही ना करता, शायद ही रियर केस में, क्योंकि एक्सेल जस्ट एक रजिस्टर, क्योंकि कंप्यूटर के बाद भी बंदा रजिस्टर इस्तेमाल करता है तो एक्सेल इस्तेमाल कैसे नहीं करेगा। सो एक्सेल इज द कंप्यूटर। तो नरेंद्र जी मैंने आपको समझाया कि एक्सेल का यूज क्या है। हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिटिक्स एंड डेटा रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा एंड रिपोर्ट शेयरिंग। क्लियर है सर? म्यूट है आप? हेलो सर, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है, अनम्यूट करेंगे तो सुन पाऊंगा। हाँ सर, अब बात आती है लर्निंग कि हम जो है सीखने के लिए करें क्या। अगर हमें सीखना है तो हमें करना क्या होगा, राइट?
सबसे पहले बात, आप लर्निंग सीखने जा रहे हैं, एक चीज आप ध्यान रखिए। पहली चीज कि आपके पास होना चाहिए टाइम, प्रैक्टिस। एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स नीड ए प्रैक्टिस, राइट। तो अगर आपके पास, आप बहुत बिजी पर्सन हैं और आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम नहीं है, तो आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद करेंगे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में। कोई भी अच्छा टीचर क्यों ना, गुरु द्रोणी उतर के आ जाए, फिर भी आपको नहीं सिखा सकते। समझ गए? टाइम प्रैक्टिस पे चाहिए कि जितना ज्यादा इस पे आप अवेयरनेस देंगे उतना ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। दूसरी, जो आप चीजें सीख रहे हैं उसको अपने ऑफिस में यूटिलाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मैंने आपको सिखाया एक कैलकुलेशन या एक फॉर्मूला सिखाया, तो पहले तो आपको फॉर्मूले को समझना है और उसको सॉल्व करना है, उसको पूरी तरह समझ जाना, आप उसको लगा सके ऐसा कर। After that, उसको अपने ऑफिस में यूटिलाइज करना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने ऑफिस में यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर उसको अपने ऑफिस में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर सीखने का फायदा क्या होगा सर? आप जो सीख रहे हैं वो कोई सर्टिफिकेट नहीं तो सीख रहे हैं। जैसे आपने एम ए बी ए और ऐसे डिग्री में गए, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, रट्टा मारा, एग्जाम में लिख दिया, आपको बड़ी सर्टिफिकेट मिली। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो चीजें आप सीख रहे हैं वो आप अपने ऑफिस में यूटिलाइज करने के लिए सीख रहे हैं, ऑफिस के वर्क के लिए सीख रहे हैं। तो जो चीजें आपने सीखा अगर उसको ऑफिस में यूज ना करोगे तो अनलेस हो गया, इन फ्यूचर में वो भूल जाओगे आप। तो आपको उसकी जगह अपने ऑफिस में ढूंढनी है, और हर एक टॉपिक, हर एक चीज आपका काम को आसान करेगा, राइट। उसके बाद बात आती है बेसिक एक्सेल की, आपके पास बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी।